हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपने दो पार्ट कर चुके हैं कैलेंडर का, और पार्ट सॉरी वन अपना एक पार्ट हो चुका है, पार्ट टू है अपना आज बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। कल अपने किया था दोस्तों कि आपको जो अपने महीने का कोड है वो लिखवाया था, महीने का कोड, ठीक है, जो मंथ का कोड है वो लिखवाया था। आप सभी ने याद होगा कि अगर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या कोड लिखवाया था, और फिर आपको जो अपने वार है इनका कोड भी लिखवाया था। सभी को पूर्णतः याद है, अगर नहीं याद है तो एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, और वीडियो को लाइक और अपना शेयर कर दीजिए फटाफट से। सबसे पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जिन्होंने कल वाली क्लास देखी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी है उनके लिए थोड़ी सी एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए, सभी को पता है क्या कोड किस किस को याद है, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए जनवरी का कोड क्या था। एक बड़ा वर्ड से आप कमेंट में बताइए कि जनवरी का कोड था आपका 144 और आपका 025। एक सौ चौवालीस, 025, 036, 146, ये तो अपना साधारण वर्ष का। और अगर लीप वर्ष हो तब आपको करना है इसका आप 0 और 3 कोड, ये आप याद रखना है। सिर्फ इतना ही कोड चेंज होगा और कुछ भी कोड चेंज नहीं होने वाला है, इतना ही कोड चेंज होगा 0 और 3। अगर आपको लीप वर्ष कैसे याद किया जाता है, आप सभी को पता होगा कि लीप वर्ष शताब्दी वर्ष भी आपको लीप वर्ष है या नहीं इसका भी कल बता दिया था, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, और उसके बाद आपको वार का कोड भी लिखवा देते, वार का मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए आप तब तक। सभी वार का कोड आप सभी को पता होगा, सोम अपना रविवार से स्टार्ट करना है, रविवार का कोड अपना 0, सोम का 1 2 3 4 5 है, सॉरी रविवार का 1 लिखना है आपको कोड, और आपका शनिवार का 6 लिखना है, अपना 0 लिखना है। चलिए, आज दोस्तों मार्कर भी नहीं चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, रविवार का अपना 1, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरुवार का 5, शुक्र का 6 और शनिवार का 0, ये कोड सभी को याद होना चाहिए। और शताब्दी वर्ष आपको निकाला था, शताब्दी वर्ष शताब्दी का अलग अलग कोड, शताब्दी कैसे निकालते हैं, शताब्दी का कोड भी बताया था। अगर 100 सेंस पर रहने पर आपको कोड बताया था, 200 सेंस पर रहने पर भी बताया था, 300 रहने पर भी बताया था, और 400 भी रहने पर बताया था, ठीक है। 400 क्या था दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। 400 का अपना 6 था, ठीक है, और अन्य कोड क्या था पर एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए, चलिए 100 का 4, इसका 2, इसका 3 और इसका 6, इसका 0, ठीक है, यही कोड था शताब्दी का, यह कोड था, आप सभी को पता होगा। और ये किस प्रकार निकालना है ये भी कल बता दिया था। अब एक बार अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चनों का फॉर्मूला भी आप सभी को कल वाली क्लास के अंदर, अब इतनी देर आपको रिवाइज करवाए थे, जितने भी आपको कल वाली क्लास के अंदर करवाए थे वो सारा का सारा आपने रिवाइज कर लिया, सारे स्टैंडर्ड, ठीक है। अब अपने टाइप वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइप, पहला टाइप समझ लो या किसी प्रकार भी कर सकते हो, इसके अंदर 3 से 4 टाइप बनते हैं, उसके अलावा कुछ भी अन्य टाइप नहीं बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 31 दिसंबर 2016 को क्या वार था, ठीक है,
31 दिसंबर 2016। चलिए, और दोस्तों आज का हम याद कर लेते हैं, ठीक है? या दोस्तों कौन सी तारीख माने, आज की माने, या चलिए हम 20 सितंबर कर लेते हैं। चलिए, या चलो 28 सितंबर 2021। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर दीजिए। आपको कल फॉर्मूला भी लिखवाया था, फॉर्मूला क्या था सभी को पता होगा, एक फॉर्मूला क्या लिखवाया था। चलिए, सबसे पहले आपको तारीख लिखनी है, ठीक है? फॉर्मूला कल लिखवा दिया था, जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार फॉर्मूला के पिछले क्लास के अंदर जाके देख सकते हो। सबसे पहले तारीख आएगी, तारीख कितनी दे रखी, 31। उसके बाद महीने का कोड, महीने का कोड दिसंबर का कितना होता है, 6। फिर क्या आएगा, अपना कोड आ चुका है, अब क्या आने वाला है, महीने का कोड। उसके बाद अशताब्दी कोड, अशताब्दी कोड कैसे निकलता है आप सभी को पता होगा, हमने 2000, ये अशताब्दी वर्ष है, 2000 अशताब्दी के अंदर आती है, इसलिए इसके अंदर आप 400 का डिवाइड करोगे तो आपके पूर्णतः जा रहा है, इसलिए आप इसका कोड 6 लेंगे, तो 6। फिर आपका क्या आने वाला, अशताब्दी कोड। उसके बाद आएगा आपका अंतिम दो अंक, किसके, जो आपके इस मंथ के है ना, ये कोड ये ले लीजिए, और इसके अंदर फिर भाग दे दीजिए 16, 16 के अंदर 4 का सेंसफल कितना आता है, 0। तो सर 0 नहीं, सेंसफल 0 आ रहा है, लेकिन कितनी बार जा रहा है, 4 बार। इन सभी को जोड़ के 7 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? चलिए सही है ना। चलिए, आप इसको आप किस प्रकार डिवाइड कर सकते हो, या तो आप सभी को जोड़ सकते हो, या एक अन्य तरीका और है दोस्तों इसका। आप सबसे पहले 7 से आप कितनी बार जा सकते हैं इसके अंदर, आप 4 बार जाता है, आपके बचते कितने हैं, 3, तो आप 3 लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो 12, 12 के अंदर आप 7 का भाग दोगे, बचते अपने कितने बचे, 5 बचे, ठीक है? फिर इसके अंदर कितने, 2 बचते हैं, और इसके अंदर ज्यादा भी नहीं है 204, डायरेक्ट लिख लो, ठीक है? और अब इनको जोड़ दो, 5 और 3 8 और 10 14, ठीक है? 14 7 कितना आ रहा है, 0। 0 का कोड क्या लिखवाया था, शनिवार, ठीक है? शनिवार ही लिखवाया था सभी को, तो अपना 31 दिसंबर 2016 को शनिवार था, ये सभी को पता होगा। ये फॉर्मूला जिन्होंने नहीं लिखा है, मैं फॉर्मूला नीचे लिख देता हूं एक बार फॉर्मूला, ठीक है? सबसे पहले तारीख आएगी, चलिए यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार, फटाफट से देख लीजिए सारे स्टूडेंट एक साथ, ठीक है? यहां पर कौन सा फॉर्मूला हमने काम लिया था, वो फॉर्मूला एक बार। चलिए, सबसे पहले तारीख, उसके बाद महीने का, मंथ का कोड, जो महीने का कोड है वो, ठीक है, महीने का कोड। उसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद आपका शताब्दी कोड, शताब्दी कोड मैंने लिखवाया ना थोड़ी देर पहले, वो शताब्दी कोड, और कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए पहले, शताब्दी कोड। उसके बाद आपके अंतिम दो अंक, किसके, जो आपका अपना साल है ना, ईयर अपना, इसके दो अंक, वर्ष के अंतिम दो अंक, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके इसके अंदर 4 का भाग दीजिए कितनी बार जा रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है? जो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, जो वर्ष के अंदर भाग देते हैं वो संख्या कितनी बार जा रहा है, 4 से डिवाइड करने पर कितनी बार, वो लिखना है, और उसको पूरे को पूरे साल से मल्टीप्लाई करना है, और इसको आप टोटल भी कर सकते हो, 31 और 12 जोड़िए आप कितने होते हैं, 43 और 43, और 4 अपने 47, 47 और अपने 16 पूरे और है ना, 63 63 63, अपना सेंसपल 0 आ रहा है ना दोस्तों, पूरा पूरा जा रहा है सेंसपल। अगर यहां पर एक सेंसपल बचता तो आप सोमवार कर सकते थे, लेकिन एक भी सेंसपल नहीं बचा, इस वजह से आप इसको 0 कोड मानते हुए इसका शनिवार दे सकते थे। आप इसका बताइए जल्दी जल्दी, ये आपको पहले वाला समझ में आ गया है तो, और आप फटाफट से फॉर्मूला है वो नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए फटाफट से फॉर्मूला, अपने सभी को पता है तारीख, तारीख कितनी अपनी, 28। उसके बाद सितंबर का कोड क्या है, जल्दी जल्दी बताइए सितंबर का कोड, 144। सबसे पहले देखिए कि ये अपना पिछले क्वेश्चन में हमने लीप वर्ष का और साधारण वर्ष का कोई अंतर नहीं था, क्योंकि वो दिसंबर था, इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये भी अपना साधारण वर्ष है। तो आप सबसे पहले 144, 025, 036 और अपना 146, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर का कोड आ रहा है 6, तो आप 6। फिर आप देखिए शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या है, शताब्दी कोड वही रहने वाला है जो आपका
पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। कौन सा कोड था पिछले क्वेश्चन में? शताब्दी कोड 6, उसके बाद वर्ष के अंतिम दो अंक 21, और 21 में 4 का डिवाइड कीजिए तो 5 बार जा रहा है, ठीक है। 5 आप लिख दीजिए और इन सभी के अंदर 7 का भाग दे दीजिए, कितना आ रहा है? ये पूरा जा रहा है, ये इसके अंदर भी पूरा जा रहा है, अपना 2 बचता है ना शेष पर, ठीक है। देखिए 6 अपने इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है और इसके अंदर भी पूरा पूरा जा रहा है, और यहां पर 6 और 6 12 और अपने 5 17, 17 के अंदर 3 बचते हैं ना। चलिए दोस्तों 1 मिनट, 5 बार दोस्तों कहां पर मिस्टेक आ रही है? 6 और 6 12, 5 17 हो रहे हैं, तारीख अपनी 28 है। चलिए प्लस 3 आ रहा है दोस्तों यहां पर, ठीक है, कहां पर मिस्टेक आ रही है? 1 मिनट, हाँ सही है ना दोस्तों। रविवार का कोड अपना एक एक था, सोमवार का 2 और मंगल का कितना था? 3, 3 शेष पर बस रहे ना, ठीक है। तो अपना 28 सितंबर 2021 को मंगलवार है, ठीक है। ये मंगलवार ये आप चेक कर सकते हो कैलेंडर के अंदर जाके, कोई भी वार किस प्रकार आ रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आ गई सारी बात। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपने प्रैक्टिस के अंदर कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिस के अंदर कर लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो याद हो जाए और जो महीने का कोड है वो याद हो जाए, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31 जुलाई 1992 को क्या बार है, ठीक है। 31 जुलाई 1992 को क्या बार है, वार बताना है इसका। और दूसरा क्वेश्चन एक बार नोट और कर लीजिए, जो अपना 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 को क्या बार है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, तब तक बता दीजिए, ठीक है। सभी को पता है फॉर्मूला, अगर याद नहीं है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, तारीख लेनी है, उसके बाद आपको शताब्दी कोड और वर्ष का कोड, जो आपका महीने का कोड है वो, उसके बाद आपका शताब्दी का कोड, और उसके बाद आपका ये वर्ष लेना है, और उसके बाद आपको इसके अंदर डिवाइड करना है कितनी बार जा रहे हैं, 4 4 से, ठीक है। ये इतनी बात है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। और इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, 31 जुलाई आपका 1992, और इसके अंदर शताब्दी वर्ष कौन सा होगा? 1900, ठीक है। 400 से मल्टी आप भाग दोगे तो आपके 300 बचते हैं, 300 का कोड होता है 0, लिखवाया था मैंने, ठीक है। और इसके अंदर वर्ष लोगे आप 92 ले लोगे, 92, और इसके अंदर 4 का भाग दोगे कितना, कितनी बार जा रहा है फटाफट से बताइए। चलो मैं यहां पर करेंगे, तब 31 जुलाई ले लीजिए पहले। जुलाई का कोड क्या होता है? 144, फिर उसके बाद 0 25 0 36, ठीक है, अपना 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या था? 300 का 0 कोड दिखवाया था शताब्दी कोड, तो 0, उसके बाद 92, और उसके बाद 4 का भाग दे दीजिए, इसके अंदर कितनी बार जा रहा है? 23 बार जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है इसके अंदर 23, और इसके अंदर आप 7 का डिवाइड कर दीजिए, बस यही करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। आप डायरेक्ट काट भी सकते हो, डायरेक्ट काट कर भी कर सकते हो इनको। चलिए इसको आप पहले डायरेक्ट काट लीजिए, इसको काटोगे 4 से इस पर बचते हैं, 7 चौक 28, इसको काटोगे एक बार और आपका 3 बार चला जाएगा, तो आपके बच्चे आपका 1 से इस पर बचता है, ठीक है। 13 × 7 91 होते हैं ना, और इसके अंदर कितने बचते हैं? 2 शेष पर बचते हैं, इनको जोड़ लो, 4 5 2 7, यानी 7/7, यानी 0। 0 का कोड क्या होता है? शनिवार, लिखवाया था, शनिवार कोड है इसका, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कैलेंडर निकाल कर भी, ये मिस्टेक है दोस्तों,
31 के अंदर, ठीक है, 4 बार, उसके बाद 13, ठीक है, शनिवार, ये देखिए 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी आप चेक कर लीजिए, 14, उसके बाद फरवरी का कोड। अब देखिए इसके अंदर मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है दोस्तों, 1 मिनट, 92। चलिए आप देखिए, ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का फरवरी का कोड क्या लेंगे आप, फरवरी का कोड लेंगे आप 144, यानी 4, उसके बाद शताब्दी कोड, शताब्दी कोड 6, उसके बाद 19, उसके बाद आप 19 के अंदर भाग दो कि कितनी बार जा रहा है, 4 बार, और फिर 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, यही आ रही है ना संख्या। तो आप इनको देखिए, 2, 7, 2 बार गया, ये अपना पूरा पूरा जा रहा है, 6 और 4 10, 10 और 4 14, यानी 14 को इनको, 14 यहाँ पर रहेगा, इसके अंदर पूरा डिवाइड जा रहा है, लेकिन 19 बचा, 19 के अंदर आप डिवाइड कर दीजिए, और 5 बचते हैं, 5 का कोड क्या लिखवाया था, 5 का कोड लिखवाया था आपको शुक्रवार, अपना बुधवार, ठीक है, बुधवार ही लिखवाया था ना, 5 का कोड दोस्तों गुरुवार है, ठीक है, शुक्रवार का, अच्छा है, ठीक है, गुरुवार चेक कर लीजिए एक बार। और आप डायरेक्ट अगर आप एग्जाम के अंदर इस प्रकार काट कर कर सकते हो, लेकिन अभी करना चाहते हो, 14 और 4 18, 18 और 6 आपके 24, 24 और 4 28, और 28 और 19 कितने होते हैं, 47, यहां पर भी 5 से फल बच रहे हैं। इस प्रकार कैलकुलेशन अगर आप काटोगे तो जल्दी हो जाएगा, यानी तो आप जोड़कर भी कर सकते हो, ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड था और दोस्तों कुछ भी नहीं है, अगर नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है, फटाफट से नोट कर लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस सेट है वो आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, ठीक है, 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी दे दिया जाएगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट टाइप किस प्रकार का आने वाला है वो बताते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट टाइप, टाइप फर्स्ट कर लिया, टाइप टू है अपना, वो आता है आपको क्या किस प्रकार याद करना है, ठीक है, मैंने लिखवाई थी आपको डिटेल्स की, आपको एक साल के अंदर अगर लीप वर्ष होता है, तो साधारण वर्ष होता है, तो एक साल अपने साधारण वर्ष के अंदर प्लस 1 ही होता है एक दिन, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि 2021 को अगर 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2022 को अपना मंगलवार ही होगा, ठीक है, और अगर ये लीप अपना लीप वर्ष होता तो अपना यहाँ पर मंगलवार न होकर आपका यहाँ पर बुधवार हो जाता, क्योंकि +2 होता, ठीक है, ये पहले क्लास के अंदर हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था, इसके आधार पर ही कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो करने वाले हैं, ठीक है, वो किस प्रकार बनने वाले हैं एक बार चेक कीजिए। अगर 1 जनवरी 2005 है दोस्तों, यहां पर 1 जनवरी 2005 को अगर आपका सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा, ये बताना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर, आजकल ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़े से कम आते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन पर आप ध्यान दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो आप सभी को पता है कि मैंने बताया था कि अगर ये पहले देखिए कौन सा वर्ष है, वर्ष क्या इसके अंदर कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन आप चेक कर लीजिए कौन सा वर्ष है, तो आपको कि सर आपका अपना लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है ये, तो साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष अपना, साधारण वर्ष के अंदर एक अपना वार है वो एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता, ठीक है, तो 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है, तो 1 जनवरी 2006 को क्या होता, मंगलवार, ठीक है, और आपको पूछा 31 दिसंबर का, तो 31 दिसंबर का डायरेक्ट दे सकते हो, इससे पहले मंगलवार से पहले क्या आता है, सोमवार भी आएगा ना, तो सोमवार डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, अन्यथा आप सभी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जनवरी के दिन के आप पहले गणना कर लेते, उसके बाद फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, वो भी कर लेंगे, लेकिन ये इतना आसान था क्योंकि इसके अंदर आप पहले 1 जनवरी 2005 का सोमवार दे रखा है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, 1 जनवरी 2006 का आप देख लीजिए मंगलवार बन रहा है, तो 31 दिसंबर से अपना, 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर ही तो आता है 2005 के अंदर, ठीक है, तो सोमवार दे सकते थे।
चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप एक और करेंगे दोस्तों, वो आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये बार फिक्स नहीं है दोस्तों, आप कैलेंडर मत चेक करने लग जाना कि ये बार फिक्स, दोस्तों ये बार फिक्स नहीं है, लेकिन इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अगर 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो आप दोस्तों बताइए कि 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा दोस्तों, ये बताना है आप क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए दोस्तों, सभी को पता है कि पहले देखिए कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के अंदर वर्ष के अंत में +2 होते हैं। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2009 को क्या वार होने वाला है, 1 जनवरी 2009 को, यानी मंगल से फिर क्या आ जाए, बुध और फिर गुरु, गुरुवार होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको पूछा है 31 दिसंबर का, 31 दिसंबर का क्या होगा, 31 दिसंबर का होगा कि इससे पहले क्या आता है, गुरुवार से पहले बुधवार हो तो होगा, तो क्योंकि 1 जनवरी को अपना गुरुवार है, तो उससे पहले बुधवार ही होगा, तो आप करेक्ट आंसर बुधवार दे सकते हो। ठीक है, ये तो थे आपके जो आपके लिखवाए थे ना, इतने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, इतने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, उसके आधार पर अब आते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन क्वेश्चन के बीच में उठाते हैं। ठीक है, महीने के जो मान लीजिए कोई मंथ दे दिया, उसके बीच का महीना किस प्रकार याद कर सकते हैं, आसान तरीका और पूरा बेसिक दोनों दोस्तों बताएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा सारे स्टूडेंट ने। ठीक है, इसके अंदर 29 फरवरी होगी, इसकी वजह से 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो। अब आपके सामने क्वेश्चनों की शुरुआत होती है, 2 मार्च को अगर बुधवार है, ठीक है, तो 26 मार्च को क्या होगा। चलिए यहां पर दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, 2 मार्च को अगर बुधवार है तो 26 मार्च को क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन, 10 मार्च 2003, 10 मार्च 2003 को अगर आपका शुक्रवार है, तो आपका पूछा है कि 25 जून 2003 को, ठीक है, 25 जून 2003 को, तो बताइए कि 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को, तो आप देखिए कि अपना जो साल है वो अपना सेम ही दे रखा है, तो आप इनके अंदर आप 26 से आप -2 कर लीजिए, 24, 24 के अंदर 7 का डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको सप्ताह निकल सके। ठीक है, यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर बस शेषफल कितने बचते हैं ये चेक कीजिए, शेषफल बचते हैं आपके 3। ठीक है, तो आप बुधवार के अंदर 3 ऐड कर लीजिए, वही अपना बुधवार से गुरुवार 1, ठीक है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो राइट आंसर आपका शनिवार होने वाला है। ठीक है, शनिवार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसके अंदर ये आपको जो साल है वो सेम दे रखा है, इस वजह से आप डायरेक्ट दे सकते हो, और इसके अंदर थोड़ा सा साल भी दे रखा है और आपको डिफरेंस भी ज्यादा दे रखा है, तो इसका क्या होने वाला है ये बताइए। 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है तो 25 जून 2003 को क्या वार होगा, कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। तो देखिए सभी को याद है क्या, जनवरी कितने दिनों की होती है, फरवरी कितने दिनों की होती है, मार्च कितने दिनों की होता है। ठीक है, सभी को महीने का पता होगा, मार्च कितने दिनों की होती है, 31। ठीक, आपको 10 मार्च तक का दे रखा है, 10 मार्च से दे रखा है, यानी इसमें से 10 घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका 21 दिन यहाँ पर आ गए, तो आप 21 लिख लीजिए। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के होते हैं 30, मई 31, फिर आपका जून का पूछा है 25 जून। ठीक है, इन सभी को जोड़ के आप 7 का डिवाइड कर सकते हो, इन सभी को जोड़ दीजिए एक बार, 30 और 30 60, और अपना 60 और अपने 21 कितने होते हैं, 81, 82, और 82 अपना 25 जोड़ दो आपने, 107 दिन होते हैं। ठीक है, 107 दिन हो रहे हैं सारे। चलिए 107 के अंदर 7 का डिवाइड कर लीजिए, 107 के अंदर डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए फटाफट से, 3 बार गया इसके अंदर, फिर आपका 37 अपना बचा 2, 2 सेंस पर बचते हैं, यानी
अगर इसको शुक्रवार है तो 2 दिन और ऐड कर लीजिए, यानी रविवार हो जाएगा इस दिन। और एक इससे आसान तरीका दोस्तों कि आप इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा दोस्तों आप डायरेक्ट काट सकते हो। यहाँ पर किस प्रकार काट सकते हो कि इसको दोस्तों डायरेक्ट काट लीजिए, साल से जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो सेंस पर कुछ नहीं बचता तो छोड़ दीजिए। फिर इसको इससे काट लीजिए 7 को, ठीक है, तो आपके बचते कितने हैं 2, ठीक, प्लस 2 बचते हैं, इसके अंदर प्लस 3 बचते हैं और इसके अंदर प्लस 4 बचते हैं, ठीक है। 4 और 3 7 और 2 9, 9/7 दो ही सेंस पहले यहां पर बच रहे हैं। कैलकुलेशन अपना टाइम बचाने के लिए आप इस प्रकार कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। यहां पर इस प्रकार के नए लिखकर आप डायरेक्ट जिस प्रकार आप अप्रैल का लिखते हो तो 30 होता है, आपके मन के अंदर कर सकते हो तो 30 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेंगे, और अपना जो मई होता है वो 31 दिनों की होती है, इसके अंदर 3 बचेंगे, और अपना जो जून होता है उसके अंदर 25 के अंदर 7 का डिवाइड करोगे तो आपके 4 बचेंगे, ठीक है। ये इतना है अपना, आप मार्च के अंदर भी कुछ भी नहीं बचा, 21 का 21 के अंदर पूरा पूरा जा रहा है, तो आप इनको सीधे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं था, इतना आसान था। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर है दोस्तों, ठीक है। अगर आपकी इसके अंदर कैलकुलेशन अगर फर्स्ट हो, अगर आपकी सही हो तो दोस्तों उस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 17 मार्च 2009 को अगर बुधवार है तो अगर आपको पूछा है दोस्तों, नेक्स्ट पूछा है 12 सितंबर 2009 आप खुद कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है, फर्स्ट यहां पर है, ठीक है। बताइए 5 जुलाई 1997 उसके बाद आपको वार बताना है, इसका वार 20 नवंबर को अगर रविवार है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया तब इसको किस प्रकार करेंगे। दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए, मैं तब तक आपकी रिकॉर्डिंग से वो चेक कर लेता हूं, ठीक है। चलिए चलिए एकदम सही है दोस्तों रिकॉर्डिंग अभी। तब तक कर लीजिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा, हाँ, किस प्रकार हो रहा है, क्या कैलकुलेशन कर ली क्या आपने। 17 मार्च 2009 को अगर बुधवार है यहां पर, तो 17 मार्च के यानी आपकी मार्च कितने दिनों की होती है, मार्च होती है 31 दिनों की, 31 में से 17 में से 31 घटाओगे कितने बचते हैं 14, ठीक है। उसके बाद देखिए अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, फिर आपको सितंबर के 12 दिन जाना है, ठीक है, 12 दिन तक जाना है और उसके अंदर 7 का डिवाइड करना है। इससे अच्छा दोस्तों आप डायरेक्ट यहां पर मन के अंदर कैलकुलेशन कर सकते थे कि आप 7 के अंदर आप डायरेक्ट यहां से काट सकते हो। इससे अच्छा तो अगर आप वो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों पूरा पूरा जा रहा है, कुछ भी सेंस पर नहीं बचा, यहां पर 0 बचा। फिर आपका देखिए 30 के अंदर 7 का डिवाइड करोगे तो आप 2 बचा, यहां पर 3 बचा, यहां पर भी 2 बचा आपका, यहां पर 3 बचा और यहां पर 3 बचा और यहां पर 5 बचे, ठीक है। इन सभी को जोड़ दो, आप इसको भी जोड़ना नहीं चाहते डायरेक्ट काट सकते हो, 7 का जोड़ा बनाकर काटना है आपको, ठीक है। 2 और 2 4 और 3 7 ये कट गए आपसे में, और 3 और 3 6 और 5 11 11/7 यानी 4 बचते हैं, ठीक है, सेंस पर 4 बचते हैं। तो 4 बुधवार के अंदर आप जोड़िए, बुधवार के अंदर 4 जोड़ोगे कितने हो जाए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। तो रविवार ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी को राइट आंसर आ रहा होगा, चलिए ठीक है। और या आप इनको आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ने पर ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप यहां पर काट सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने मन में आपने कर लिया कि आपने मार्च के अंदर 14 दिन बच रहे हैं, 14 के अंदर 7 का डिवाइड कीजिए, आप कहोगे सर 0 बचते हैं, ठीक है, तो आप 0 लिख दीजिए,
जीरो लिखिए मत दोस्तों, उसके अंदर 30 के अंदर तो आपके कितने बचते हैं, 7 का डिवाइड करोगे 2 बचते हैं, ठीक है। 31 के अंदर 3, 30 के अंदर 2, 31 के अंदर 3, इसी प्रकार कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार करें, 5 जुलाई 1997 को क्या बार होगा ये हमें बताना है, ठीक है। अगर 20 नवंबर को रविवार है, 20 नवंबर 1997 दोस्तों ये बता कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये दे रखा है, ये निकालना है, तो आप पहले तो ये तरीका लगाइए, सेम तरीका लगा सकते हो, 5 जुलाई से लेकर 20 नवंबर तक कितने दिन होते हैं ये आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, कितने दिन होते हैं फटाफट से बताइए। 31 में से अपने 26 घटा, अपने 5 घटा लीजिए, अपने कितने बचे 26, ठीक है। यानी जुलाई अपने 31 दिनों की होती है, और आप अगस्त के अंदर 31, सितंबर आपके 30, अक्टूबर 31, नवंबर के 20 दिन लेने, ठीक है, और इनको 7 से डिवाइड करना है बस, और कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट इसे काट लीजिए, डायरेक्ट 7 का भाग दोगे, इसके अंदर कितने बचते हैं 5 बचते हैं शेष फल, 3, 2, 3 और अपने 6, ठीक है, 6 बचते हैं। अब आप जोड़ा बनाकर भी काट सकते हो, यानी 5 और 2 7 कट रहे हैं, 3 और 3 6 और 6 12 हो रहे हैं, 12/7 यानी बचते कितने 5। अब आपके बताइए कि रविवार को अगर इसमें से आगे मत जाना दोस्तों, पीछे जाना है इसके अंदर, क्योंकि आपको पीछे वाला पूछा है, 20 नवंबर 5 जुलाई का पूछा, तो आप रविवार से 5 दिन पहले क्या वार होगा, यानी आप लिख लीजिए सोमवार, सोमवार से लिख लीजिए एक बार, मैं बताता हूँ दोस्तों पूरा बेसिक एक बार, चलिए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार, ठीक है। रविवार तो मत कैलकुलेट करना दोस्तों, शनिवार 1, शुक्रवार 2, गुरुवार 3, बुधवार 4 और मंगलवार 5, यानी मंगलवार होने वाला है इस दिन, ठीक है, मंगलवार होने वाला है। मंगलवार से 5 दिन जोड़ोगे तो रविवार मिलेगा, रविवार में से 5 दिन घटाओगे तो मंगलवार मिलने वाला है। इसके अंदर मत ऐड कर देना कि रविवार से प्लस 5 दिन कर देना, ऐसा मत कर देना, इससे करने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मंगलवार इसका राइट आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन सारों ने कर लिया होगा, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन है वो चेंज करके देते हैं, ठीक है। कैलेंडर टॉपिक है वो आज वाली क्लास के अंदर ज्यादातर समाप्त हो जाएगा, कल वाली क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, हो सकता है दोस्तों आज वाली क्लास के अंदर भी कर ले प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चनों की, ठीक है। अब देखिए आप, 12 अप्रैल 2017 को अगर सोमवार, मंगलवार कर लेते, ठीक है, मंगलवार है तो आप 12 अप्रैल 2018 को बताइए दोस्तों क्या बार होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोस्तों बताइए कि 1 जनवरी 2013 को गुरुवार, तो 1 जनवरी 2015 को क्या होने वाला है, ठीक है, इसका बताइए और इसका बताइए। इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, इसके अंदर हुआ है कि मंगलवार, क्योंकि आपको बता, मैंने बार बार बताया कि अगर साधारण वर्ष होता है तो सभी के अंदर प्लस वन होता है, ठीक है, तो प्लस वन हो रहा है दोस्तों। आप देखिए एक साल का अंतर है, पूरे 365 दिन का अंतर है, और वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष, और ये भी साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है, तो दोस्तों इसके अंदर आप कितने ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे, क्योंकि मंगलवार से आपने सेम तारीख दे रखी है, ठीक है, तो मंगलवार से आप नेक्स्ट क्या आने वाला है, बुधवार, 1 दिन बढ़ेगा तो बुधवार आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 अप्रैल को पूछ ले तो गुरुवार हो जाएगा, अगर 11 अप्रैल पूछ ले तो आपको सोमवार हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लस वन करना है, क्योंकि एक साल पूरा हो गया, ठीक है, एक साल अपना साधारण वर्ष होता तो हम गुरुवार दे अपने दे देते, सॉरी लीप वर्ष होता तो, और साधारण वर्ष है इस वजह से हम बुधवार दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि इसके अंदर 2 साल का डिफरेंस है, सबसे पहले चेक कीजिए कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो 2013 भी अपना साधारण वर्ष है, और 2014 भी और 15 भी साधारण वर्ष है, तो कितने दिन अपने प्लस होंगे, 1 जनवरी 2014 तक जाओगे तो प्लस वन 1 होगा,
फिर 1 जनवरी 2015 तक जाओगे तो प्लस दो, प्लस एक और हो जाएगा, यानी प्लस दो दिन कर लीजिए गुरुवार से अपना शुक्रवार और शनिवार, ठीक है, यही हो रहा है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और करेंगे, ये सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2014 को एक दिन प्लस होगा और 1 जनवरी 2015 को आपका प्लस अपना एक दिन होने वाला है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों ये जल्दी जल्दी। चलिए अब देखिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन और है इसी के आधार पर, थोड़ा सा लेकिन शानदार क्वेश्चन है। चौदह जून 2014 को क्या माने दोस्तों, शुक्रवार मान लेते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि 14 जून 2019 को क्या वार होगा, ठीक है, यहाँ पर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। कैलकुलेटर कीजिए दोस्तों, आपका अभी पता चलेगा कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। अब दीजिए राइट आंसर, चलिए जल्दी जल्दी दीजिए आप। चलिए आपने दिया होगा दोस्तों, कैलकुलेट कर लिया होगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज दोनों क्लास जरूर देखे, आज वाली और कल वाली दोनों क्लास जरूर देखे, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम हो रहा है आपके पास। पहले दोस्तों हम आराम से करेंगे, लेकिन उसको आप साधारण तरीके से अपने मन मन के अंदर दोस्तों कर सकते हो, अपने दिमाग के अंदर कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन हम पहले बताएंगे दोस्तों किस प्रकार। देखिए यहां पर 14 जून लिख लीजिए, 2014 इसको शुक्रवार दे रखा है, ठीक है। अब सेम तारीख है आपकी 2015 को, ये अपना साधारण वर्ष है, तो कितना होगा प्लस वन एक होगा, ठीक है। अब आप 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016 तक आपका कितने दिन होंगे, क्योंकि इसके अंदर प्लस एक दिन ही होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर साधारण वर्ष अपना जो ये अपना है तो लीप वर्ष, लेकिन फरवरी आती आएगी दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के अंदर, क्योंकि 1 जनवरी 2016 तक तो कोई फरवरी आई नहीं है, लेकिन सॉरी इसके अंदर आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जून, तो आप प्लस दो करोगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि फरवरी इसके अंदर आ चुकी है। अब आप देखिए नेक्स्ट तारीख अपना 14 जून 2017 को क्या होगा, प्लस एक होगा, और 18 को क्या होगा, 18 को भी प्लस एक, और 19 को भी प्लस एक दोस्तों, ठीक है। 14 जून, 14 जून 2015 को प्लस वन, 14 जून 2016 को प्लस दो होगा, क्योंकि फरवरी अपने 29 दिनों की है, ठीक है, 29 डेज की है। चलिए उसके बाद 14 जून 2017, 14 जून 2018, हमें कहां तक जाना है, 14 जून 2019 तक, 14 जून 2019 तक जाओगे, शायद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, चलिए मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है, 14 जून 2019 यानी प्लस ए होगा दोस्तों। अब देखिए कितने प्लस हो रहे हैं, प्लस एक, प्लस दो यानी तीन, और एक चार, एक पाँच, और छः, और एक सात, सात दिन हो रहे हैं, तो इसके अंदर शुक्रवार के अंदर सात दिन ऐड कर लीजिए, ठीक है, शुक्रवार के अंदर सात दिन ऐड कर लीजिए, तो आप लिख लीजिए, इससे आसान तरीका है कि सोम मंगल, यानी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, शुक्र शनि और रवि, यानी शुक्रवार से इसको छोड़ दीजिए, हमें आगे जाने दोस्तों ना कि पीछे, शनिवार 1 2 3 4 5 6 7 वापिस शुक्रवार ही होने वाला दोस्तों, ठीक है, यानी इसके अंदर सेम सात दिनों के बाद वापिस शुक्रवार ही आएगा, आप सभी को पता है, तो ये शुक्रवार ही होने वाला है। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर फरवरी वाले यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। चलिए कोई अगर मिस्टेक हुई तो आप बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, कहीं पर कैलकुलेशन में या कहीं पर बताने में। चलिए
एक क्वेश्चन और करेंगे इस आधार पर, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है वो करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट टाइप है अपना, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 अक्टूबर 2008 को वार याद कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर 3 अक्टूबर 2014 को सोमवार है, ठीक है, ये कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आपका पता चलेगा कि किस प्रकार क्या कर रहे हो आप। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए, मात्र 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए 3 अक्टूबर 2008, सबसे पहले आप इस तरफ से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। इस तरीके सबसे पहले हम जो अपने तरीका है उसके आधार पर ही कैलकुलेट करना है 3 अक्टूबर 2008 को दोस्तों, ठीक है। इसके दिन दोस्तों आपको 2008 को आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आप 3 अक्टूबर 2009, फिर 3 अक्टूबर, यहाँ पर कितने हो रहे हैं वो बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। 3 अक्टूबर 2011, 3 अक्टूबर 2012, 3 अक्टूबर 2013 और 3 अक्टूबर 2014, ठीक है। आपको ये बार दे रखा है आपको यहाँ पर सोमवार, तो आप पहले यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आने वाला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर यहाँ पर आओगे कितने हो रहा है, प्लस वन हो रहा है ना दोस्तों, प्लस वन होगा या प्लस टू होगा दोस्तों, प्लस वन होगा क्योंकि फरवरी अपने पीछे रह गई, ठीक है, इसलिए प्लस वन होगा यहाँ पर, यहाँ पर आओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 अक्टूबर 2010 क्या हो रहा है, प्लस वन, प्लस वन ही होगा यहाँ पर, फिर 3 अक्टूबर 2011 प्लस वन, 3 अक्टूबर 2012 यहाँ पर कितने होंगे, 3 अक्टूबर 2012 को प्लस टू होगा क्योंकि यहाँ पर फरवरी अपने 29 दिनों की और साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है ये, फिर यहाँ पर प्लस वन, ठीक है। चलिए बताइए फिर यहां पर क्या हुआ है, फिर यहां पर हुआ आपका प्लस वन होकर आपका सोमवार आया दोस्तों, ठीक है, ना कि यहां पर कैलकुलेट मत कर देना, ठीक है। यह यहां पर प्लस वन होकर भी आपका 3 अक्टूबर 2014 को सोमवार आया है, ठीक है, तभी तो यहां पर पहुंचोगे, नहीं तो यहां पर रह जाओगे आप। चलिए तो देखिए प्लस एक दो चार पाँच छः सात, सात दिन हो रहे हैं, यानी अब सोमवार से पीछे चल रहे हैं सात दिन, ठीक है, 7 days घटा रहे हैं। आप सभी को पता है कि सात में से अपने जो सोमवार से अपने सात दिन पीछे जाएंगे तो वापस सोमवार ही आने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों प्लस वन करना है, जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि अन्यथा आप यहाँ पर इसका ही वार पहचान पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपका मंगलवार ही होता दोस्तों अन्यथा, अगर ये आप प्लस वन नहीं करते, 3 अक्टूबर 2009 को मंगलवार है, ठीक है, सोमवार को अपना सोमवार 2008 को था, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर लगने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप ही समझ लो वो चीज है। सामान्य वर्षों के अंदर अंतर है वो एक दिन का आता है, और जो लीप वर्ष है उसके अंदर अंतर दो दिन का आता है, वो मैंने करवा दिया पूरा बेसिक। चलिए चलिए वो स्क्रीन पर मत लगे दोस्तों, मैं डायरेक्ट करवा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए राम का जन्मदिन, जो जन्मदिन है यानी 2021 ही मान लो दोस्तों, ठीक है,
27 सितंबर 2021 को सोमवार है। तो नेक्स्ट अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, वो 2025 के अंदर किस दिन मनाएगा दोस्तों ये बताइए। 27 सितंबर 2025 को किस दिन, किस वार कौन सा होगा, अगर राम का जन्मदिन है वो 2025 को मनाएगा, उस दिन वार क्या होने वाला है ये बताइए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आपने शायद कैलकुलेट कर लिया होगा क्योंकि यहां से आपको यहां तक जाना है और कुछ भी नहीं है। देखिए 27 सितंबर 2021 आप मन के अंदर दिमाग के अंदर कर सकते हो क्योंकि आप देखिए 21, 22, 23 के अंदर कोई भी 24 के अंदर अपना साधारण वर्ष आ रहा है, जो लीप वर्ष आ रहा है उसके अंदर प्लस वन करना और सारों में प्लस वन नहीं करना और 24 के अंदर प्लस टू करना है, ठीक है। इसके अंदर 27 सितंबर 2022 अपना 2023, 27 सितंबर 2025 सॉरी 24, 27 सितंबर 2025, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आओगे प्लस वन और यहाँ से यहाँ तक आओगे यानी साधारण वर्ष है, लेकिन यहाँ पर लीप अपना लीप वर्ष आएगा, आ जाएगा 2024। 2024 के अंदर क्या होने वाला है यहाँ पर देखिए, 27 सितंबर 2024 यानी प्लस दो होने वाला, फरवरी पीछे रह जाती है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर प्लस टू। उसके बाद देखिए 27 सितंबर 2025 इस दिन क्या होगा, 27 सितंबर 2025 को होने वाला आपका प्लस वन। देख लीजिए एक और एक दो, दो और चार एक पाँच, पाँच इसके अंदर दोस्तों अपना पाँच दिन आगे सोमवार के अंदर ऐड कर लीजिए, मंगलवार एक, बुधवार दो, अपना गुरुवार तीन और शुक्रवार चार और अपना शनिवार पाँच, ठीक है, शनिवार राइट आंसर होने वाला है। राम अपना जन्मदिन है 27 सितंबर 2025 को शनिवार के दिन मनाएगा, ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो सोमवार अपना नेक्स्ट अपना जन्मदिन है वो सोमवार को कब मनाएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रैक्टिस के अंदर करवा देंगे, ठीक है। आप देख सकते हो इसके आप प्लस दो कब होंगे यानी 26 के अंदर, आप देखिए 26 के अंदर प्लस वन ही होगा लेकिन अपने 26 के अंदर प्लस वन होगा, 27 के अंदर भी प्लस वन होगा, यानी अपने 27 सितंबर 2027 को वो अपने सोमवार के दिन ही मनाएगा अपने जन्मदिन को, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए, चलिए अब शायद सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलिए दोस्तों नोट कर लिया होगा सारे स्टूडेंट ने, अब बताइए दोस्तों और कुछ डाउट बचे हैं क्या। अब दोस्तों कुछ एक दो टाइप्स और हैं, वो करवाए या नहीं करवाए दोस्तों, चलिए एक टाइप और है वो करवा देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक टाइप और है, एक क्वेश्चन करेंगे उस टाइप का, उसके बाद प्रैक्टिस के अंदर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए टाइप अपना दोस्तों, टाइप तो बहुत बनते हैं लेकिन ज़्यादातर इस टाइप के आधार पर ही क्वेश्चन बनते हैं, टाइप बहुत ज़्यादा बनाते हैं, कुछ टीचर तो अपने 7-8 टाइप बनाते हैं लेकिन टाइप इतने हैं दोस्तों, अन्य कोई टाइप है दोस्तों प्रैक्टिस के अंदर कर लेंगे जितने भी हैं, इतना अपना सिलेबस है दोस्तों, इसके अंदर डिटेल में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। आज से 3 दिन पूर्व यानी 3 दिन पूर्व यानी 3 दिन पहले गुरुवार है, तो आज से 2 दिन बाद क्या वार होने वाला है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी नहीं ज्यादा ही खराब है दोस्तों, ठीक है। चलिए आज से 3 दिन पूर्व गुरुवार है, यानी आप देखिए पहले यहां पर खड़े हो आप, ठीक है, इससे 3 दिन पूर्व 1, 2 और 3, ठीक है, यहां पर आपका गुरुवार है और फिर पूछा है कि आज से 2 दिन बाद यानी 1 और 2 इस दिन क्या होने वाला है वार, तो आप देखिए गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोम और मंगल दोस्तों, आपको इस दिन मंगलवार होने वाला है और पूछा जाए कि आज कौन सा वार है, तो आज देखिए गुरुवार से शुक्र, शनि और रविवार, यहां पर रविवार हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। आज से 6 दिन बाद क्या होगा, तो आप 6 गोले और बना लीजिए। भाई आज से 3 और 3 6, तो देखिए रविवार, यहाँ पर आपका मंगलवार है, बुध गुरु शुक्र शनिवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस के अंदर हम ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। आज वाला ये पार्ट है वो आपको अच्छा लगा होगा, हम नेक्स्ट अपनी पार्ट अपने प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। जितने टाइप थे वो अपने कर लिए, जो प्रैक्टिस वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने ऐप के अंदर, वहाँ पर आपको जो अपना प्रैक्टिस से अपने सेट मिल जाएगा, ठीक है। जो अपना बेसिक है उसके अंदर आपको यह इतना ही मिलने वाला है, और जो अपनी जो प्रैक्टिस वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी स्टूडेंट जुड़े, चलिए फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कल ज़्यादा से ज़्यादा अपने